Hello students, in the last class, that was our first class, in that we have studied up to the general introduction of living, in which we simply came to know that livings can be defined on the basis of three important characters. The first character is respiration, second is reproduction, and third is irritability. We have already studied about respiration, so now we move to the second and third character. That is the reproduction and irritability. तो सबसे पहले इसमें हम second character देख रहे हैं, reproduction. देखिए, अगर हम इन general meaning reproduction को देखते हैं, तो हमेशा हम ये मानकर चलते हैं कि reproduction का मतलब है कि new organism का formation हो, always नए offsprings बने. नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करें. लेकिन अगर हम इसके साइंटिफिक मीनिंग पर जाएं, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू. इट इज आल्सो नॉट ऑलवेज कंसर्न्ड विद मल्टीप्लिकेशन. रिप्रोडक्शन इन साइंटिफिक वर्ड, अगर हम साइंटिफिक वर्ड में रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें, तो इट इज कॉन्टिन्यूटी एंड मेंटेनेंस ऑफ जर्म प्लाज्म. जर्मप्लाज्म एक टर्म हम यूज करते हैं फॉर द जेनेटिक मटेरियल. और अगर किसी प्रोसेस के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म का जर्मप्लाज्म मेंटेन किया जा रहा हो, या वो जेनरेशन टू जेनरेशन कंटिन्यू किया जा रहा हो, तो इस मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन. जैसे नॉर्मल केस में एक नया ऑर्गेनिज्म बना, वहां रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर कंडीशन सोचें कि सपोज देयर इज एन अमीबा, दिस अमीबा वाज लिविंग अंडर सर्टेन कंडीशन, इसको जो भी रिक्वायर्ड था, वाटर, ऑर्गेनिक फूड, वो सब कुछ इसे मिल रहा था. अब ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि ये जहां पर रह रहा था अमीबा, दैट कंडीशंस बिकेम ड्राई, दैट इज अनफेवरेबल. अब इस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अमीबा ने यहाँ पर अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, और उस चेंज में सबसे पहले ये है कि उसने बाहर से एक टफ कोट का फॉर्मेशन कर लिया. बाहर से उसने एक टफ कोट का फॉर्मेशन किया. कोट मींस आउटर शीथ, कवर. और इसके अंदर अब ये यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा है. इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिस्ट. तो सिस्ट फॉर्मेशन को हम लोग अमीबा के रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं. लेकिन इस कंडीशन में यहां पर हम कोई इंक्रीज इन नंबर नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं. द सेम इज एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरिया. सपोज कोई एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किसी कंडीशन में रह रहा था, इट वाज हैविंग ऑल द थिंग्स, वाटर, फूड, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट. लेकिन जहां पर था, सपोज वहां का कंडीशन ड्राई हो गया, और जिसको हम लोग कह सकते हैं अनफेवरेबल हो गया. इस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इसने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाया है, और इस चेंज में ये यहाँ पर एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है. तो इस केस में जब ये बैक्टीरिया यहाँ पर एंडोस्पोर बनाया, तो इस दोनों कंडीशन को कंपेयर करके देखिए. अमीबा एक यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है. बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये प्रोकैरियोट है. दोनों एक सेल का बना हुआ है. दोनों के कंडीशन में जब ड्राई केस आया, तो इसने कुछ एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर, एक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया. लेकिन यहां पर जब वो सिस्ट बन रहा है, तब भी नंबर अगर एक था तो वो एक ही है, और जब उसने एंडोस्पोर बनाया, तब भी जो नंबर एक है वो एक ही है. देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर, but still it is studied under reproduction. The reason is that in dono condition mein jab ye condition dry hua, to yahan par isne kya kar rakha hai ki apna jo iska genetic material tha, jo dna aur chromosome the, usko wo restore karne ki koshish kar raha hai. usi tarah bacteria ke andar jo uska genetic material dna ya genofold hai, wo usko yahan par restore karne ki koshish kar raha hai. means ये जो जेनेटिक मटेरियल को ही हम यहाँ जर्म प्लाज्म कहेंगे, तो वो अगर इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, इंक्रीज नहीं कर पा रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट इट इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स जर्म प्लाज्म.
दैट इज द रीजन वी आर स्टडिंग इट इन रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इन साइंटिफिक मीनिंग मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूटी एंड मेंटेनेंस ऑफ जर्म प्लाज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले ये कोशिश करता है कि वो अपने जर्म प्लाज्म को कॉन्टिन्यू करे. अगर उसे वो कॉन्टिन्यू नहीं कर सकता तो एटलीस्ट इट ट्राइज टू मेंटेन द जर्म प्लाज्म, जो हम लोग यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन में देख रहे हैं. तो इस तरह से हम पहले ये समझे कि रिप्रोडक्शन का ये फीचर क्या है. अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जब ये रिप्रोडक्शन में कि यहाँ लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, इसको अगर हम लोग और थोड़े साइंटिफिक वे में समझना चाहें तो यहां पर मैं दो चीजों को बता रहा हूं. देखिए यहां हम स्टडी करते हैं बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन के आधार. दो बेसिस है इसीलिए कह रहे हैं बेसिस ऑफ लाइफ. एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल बेसिस और दूसरे को कहते हैं हम लोग केमिकल बेसिस. जीवन के लाइफ के दो आधार हो सकते हैं, फिजिकल बेसिस एंड केमिकल बेसिस. देखिए इसका क्या यहां मतलब है. फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब, जैसे फिजिकल टर्म ही हम उसके लिए यूज करते हैं जिसका कुछ एग्जिस्टेंस है. तो लाइफ का एग्जिस्टेंस जिसके कारण है उसे हम उसका फिजिकल बेसिस कह सकते हैं. इसका क्या मतलब है. जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ तो उस ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स एक जगह जाकर जमा हुए. ये प्रोसेस वाटर में हो रहा था, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर. तो सबसे पहले यहां पर एक ग्रुप ऑफ केमिकल आकर जमा हुआ. ये जो ग्रुप ऑफ केमिकल है विच कैन डू मेटाबॉलिज्म, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म. और जब यही प्रोटोप्लाज्म बाहर से एक मेम्ब्रेन से घिर गया, व्हेन इट गॉट कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन, नाउ वी स्टार्टेड कॉलिंग इट सेल. सो सेल इज नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्म. और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. इसका मतलब लाइफ होने के लिए प्रोटोप्लाज्म का होना जरूरी है. जब प्रोटोप्लाज्म हो और जब वो मेम्ब्रेन से घिर जाए तो हम उसे सेल कहेंगे, जहां से यूनिट ऑफ लाइफ शुरू होगा. इसका मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट प्रोटोप्लाज्म. इसीलिए इस प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कह देते हैं कि इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट प्रोटोप्लाज्म. इस कारण से हम लोग यहां पर इसे कहेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जब मेम्ब्रेन से घिरा तो उसी स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं. ये स्टेटमेंट सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हक्सले, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. अब हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि केमिकल बेसिस हम किसे कह सकते हैं. मान लो आप प्रोटोप्लाज्म को देखो तो उसके अंदर क्या हो सकता है. इट कैन हैव सम वाटर, इट कैन हैव सम ग्लूकोज, it can have different types of ions, Na+, K+, Cl-, sulfate, phosphate, okay? At the same time, it can have some amino acids, it can have some fatty acids, it can have some nucleic acids, अगर हम इन सारे केमिकल्स को वन बाय वन देखें तो इसमें से ये जितने सारे केमिकल्स हैं, मान लो वाटर है, तो वाटर के अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि ये एक मॉलिक्यूल से दो का फॉर्मेशन कर सके. इसमें किसी भी तरह का कोई डबलिंग एबिलिटी नहीं है. ग्लूकोज इज ऑल्सो नॉट हैविंग सच एबिलिटी. लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें तो इन सारे में न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा ग्रुप ऑफ केमिकल है which is having ability of self-doubling, self-duplication. और इस self-duplication को हम लोग कहते हैं replication. अगर हमारे पास कहीं एक certain amount of DNA है, तो through the process of replication, एक molecule of DNA replicate करके two molecules of DNA का formation कर सकता है.
तो इसीलिए हम लोग क्या देखे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड में जो एबिलिटी है कि वो अपने अमाउंट को नंबर को डबल कर सकता है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन. दैट इज द रीजन दिस न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. तो लाइफ के दो बेसिस हो गए, पहला हो गया फिजिकल बेसिस, वो है प्रोटोप्लाज्म. और इस प्रोटोप्लाज्म को हम लोग वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग कहते हैं. इफ देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ. मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं. उसी तरह से हम लोग अब केमिकल बेसिस की बात करें तो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दैट न्यूक्लिक एसिड इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. और लाइफ अगर कंप्लीट की हम बात करें तो जिसमें ये दोनों का दोनों प्रेजेंट है उसे ही हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो एक लाइफ कैरी कर रहा है. तो लिविंग होने के लिए इन दोनों बेसिस का होना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बेसिस प्रोटोप्लाज्म एंड केमिकल बेसिस न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के दो कॉमन फॉर्म्स हैं डीएनए एंड आरएनए. इसी लेवल पर मैं यहां एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज वायरस, हम लोग समझे कि अगर इस वायरस को हम देखें कि कहां हम रख सकते हैं. वायरस के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये एक आउटर कोट का बना हुआ है जो प्रोटीन का है. इट इज आउटर कोट एंड इट इज मेड ऑफ प्रोटीन. सेकेंड देखिए, इसके अंदर जो ये क्वाइल पार्ट है इसे हम कहते हैं कोर, और ये कोर बना हुआ होता है आइदर डीएनए और आरएनए. यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेवर बोथ. ए वायरस कैन हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज द कोर, इट कैन नॉट हैव बोथ. अब आप देखो इस स्ट्रक्चर में तो यहां पर हम लोग वायरस के लिए एक टर्म यूज करते हैं कि इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग का मतलब ये है कि इट इज हैविंग सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ नॉन लिविंग. इसको कभी ये नहीं डिफाइन कर देंगे कि लिविंग के साथ है तो लिविंग और नॉन लिविंग के साथ है तो नॉन लिविंग. इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक मींस इट इज हैविंग सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग एंड सम ऑफ द फीचर्स दैट आई विल स्पेसिफाई. जैसे मान लो हम बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, तो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स. इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेप्टाइल्स के साथ रेप्टाइल्स और बर्ड्स के साथ बर्ड्स है. नो, इट हैज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ बर्ड्स. सो हियर दिस वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट इज हैविंग सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग एंड सम ऑफ द फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग. सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नहीं है. वायरस के स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है. ये जो एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसको हम लोग देखेंगे, इसके कारण हम इसे कंसीडर करेंगे कि इट इज नॉन लिविंग. एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया. मींस इसमें ये भी नहीं कहेंगे कि कुछ कैरेक्टर और कुछ कैरेक्टर. वी हैव टू स्पेसिफाई एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इट इज ए नॉन लिविंग कैरेक्टर. सेकेंड है यहां पर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो या आरएनए हो बट न्यूक्लिक एसिड इज देयर. सो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इट इज द लिविंग कैरेक्टर. मींस हम क्या देख रहे हैं कि जो दो बेसिस है लाइफ का, उस दो बेसिस में से फिजिकल बेसिस इज एब्सेंट बट केमिकल बेसिस इज प्रेजेंट. दैट इज द रीजन इट इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. और उसमें स्पेसिफिक हम कहेंगे कि एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉन लिविंग कैरेक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज अ लिविंग कैरेक्टर. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बेसिस ऑफ लाइफ समझे, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है ये चीज को देखें. तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है बट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग. मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग.
तो ये हम लोग यहाँ पर इसको इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के रूप में वर्क कर रहा है. वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ, लास्ट स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट प्रोटोप्लाज्म. अब हम लोग इसमें थर्ड कैरेक्टर पर आ रहे हैं एंड दैट थर्ड कैरेक्टर इज इरिटेबिलिटी. देखिए अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पर जाएं कि व्हाट इज इरिटेबिलिटी, देन वी कैन सिंपली से इट इज एबिलिटी टू बी इरिटेटेड. Ability to be irritated. That is the literal meaning of irritability. Exactly समझे कि ये irritability क्या है और इसको हम लोग क्यों यहाँ पर इतने important character में रख रहे हैं. एक सबसे common example ले रहे हैं. Suppose there is an amoeba. और इस amoeba के सामने हम लोगों ने suppose in the first case we have kept certain amount of salt in front of this amoeba. यहाँ पर हमने salt रख दिया. तो हम लोग देख रहे होते हैं कि this amoeba moves away from salt. मान लो एक दूसरे condition में फिर हम लोगों ने एक amoeba लिया और इस बार हम लोग इस amoeba के सामने रखते हैं sugar. Then we find that this amoeba moves towards sugar. Here, first case. Amoeba is moving away from salt. Second case, amoeba is moving towards sugar. यहाँ जो ये salt and sugar है, these are the external substance. And according to that external substance, this amoeba is showing certain response. So this ability to show response against external stimulus is called as irritability. Here, the external stimulus is salt. Here the external stimulus is sugar, and this movement of amoeba either away or towards is the response. तो salt एक stimulus हुआ और उससे दूर जाना वो एक response हुआ. अब इस condition में अगर हम देखें, इसको अगर loose word में हम देखें बात करें, तो amoeba के पास कोई sense organ तो नहीं है. It has no eyes to see कि यहाँ क्या है. It has no tongue to taste कि वहाँ क्या है. But still, it is having this ability to recognize. और amoeba एक single cell है, and this single cell is having ability to recognize. वो पहचान पा रहा है कि बाहर में क्या है. इसीलिए हम लोग इस phenomena को कह सकते हैं यहाँ पर cell recognition. It is ability of a cell to recognize external environment. अपने external environment को पहचान पा रहा है amoeba. और ये पहचान कैसे है? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे. तो ये जो अमीबा का यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा है, इस पर हम लोग देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक केमिकल्स. दीज केमिकल्स आर आइदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. ये जो केमिकल है ये या तो ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है. और इन केमिकल्स के कारण हम लोग देख पाते हैं this amoeba can recognize the external environment. So this ability of a cell to recognize its external environment is called as cell recognition. और इस cell recognition के phenomena के द्वारा amoeba अपने external environment को पहचान पा रहा है. Same condition हम यहाँ देख रहे हैं. अब ये पहचानने को हम लोग इस cell recognition को इतना important character में कैसे रख पा रहे हैं? क्योंकि इसी को अगर हम एनसीईआरटी के टर्म में देखें तो वहां पर एक टर्म यूज हुआ है कंसियसनेस. दिस अमीबा कैन रिकॉग्नाइज, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि दिस अमीबा इज कंसियस अबाउट व्हाट इज प्रेजेंट इन इट्स पेरिफेरी. उसके आसपास क्या प्रेजेंट है उसके प्रति वो कॉन्शियस है और उसके प्रति वो रिस्पॉन्स भी दिखा पा रहा है. तो रिस्पॉन्स दिखा पाने को हम लोग कह सकते हैं कंसियसनेस. और इस कंसियसनेस को भी एक इंपॉर्टेंट defining character of living में रखा गया है. It is a defining character of living, this consciousness. इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं इस example को. मान लो अगर हम second example लें इस irritability का,
हम लोगों का जो ब्लड ग्रुप है, दैट ब्लड ग्रुप इज डिफाइंड एज एंटीजेनिसिटी ऑफ ब्लड, मीन्स ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो इस आरबीसी के सरफेस पर यहां पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं एंटीजन। इट इज एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन अगर हम देखें तो दैट इज ऑफ टू टाइप्स इन सिंपल वर्ड, सिंपली ए टाइप एंड बी टाइप। तो इसी के बेसिस पर हम लोग ब्लड ग्रुप डिफाइन कर देते हैं कि मान लो किसी भी ब्लड में हम देखें कि उसके पास सिर्फ ए एंटीजन है तो उस ब्लड ग्रुप को कह देंगे ए, अगर उसके पास सिर्फ बी है तो उस ब्लड ग्रुप को कहेंगे बी, अगर उसके पास बोथ ए एंड बी है तो इसको हम लोग कह देंगे ए बी, अगर उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसी को कहते हैं ओ। इट इज एक्चुअली जीरो प्रोनाउंस्ड एज ओ। तो यहां पर हम लोग देखे कि मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए और उसमें हम बी ब्लड को अगर दें तो दैट बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो ये जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो ब्लड ये पहचान पा रहा है कि ये मेरा सेल्फ टाइप है या नॉन सेल्फ टाइप है। तो इस सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान ये भी यहां पर इसी ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुआ। और इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग समझे तो मान लो कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी नेचर में कोई चेंज होता है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना मीन्स उसको पहचानना और उसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग अपने में चेंज लाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे आज के दिनों में कोरोना के आने के कारण हमने अपने अंदर ये एडेप्टेशन लाया, मैंने आपने हम सभी ने, कि हम लोग अब फिजिकल क्लास छोड़कर इस ऑनलाइन क्लास की ओर मूव किए। तो ये चेंज जिसने लाया वो एजुकेशन वो पा रहे हैं। जो अगर इस चीज को लेकर रिजिड है, नो आई विल नॉट गेट चेंज, व्हाई शुड आई चेंज व्हेन द क्लासेस विल गेट ओपन आई विल स्टडी, मींस दे आर मिसिंग समथिंग। नेचर में आप देखो तो एप्स से ही ह्यूमन इवॉल्व किए, तो दोज एप्स इवॉल्व इनटू ह्यूमन which underwent adaptation as per the change in environment. But many of the apes resisted. No, why should I change? Those apes are still apes. So it is the course of evolution. So evolution होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? Adaptation. Adaptation के लिए क्या होना चाहिए? Recognition. तो recognize करने की ability को ही हम कहते हैं irritability. मतलब Irritability leads to adaptation, adaptation leads to evolution. कोई एक प्लांट डेजर्ट में है तो वो समझा यहाँ पर डेजर्ट है, हाई टेम्परेचर है, तो उसने एक और उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज लाया, जिसने चेंज लाया वो डेजर्ट में सर्वाइव कर गया, और सर्वाइव ही नहीं किया, इवॉल्व कर गया, वो वहां के लिए बेस्ट सुटेड हो गया। कोई दूसरा मान लो एक्वेटिक कंडीशन में है तो उसने अपने अंदर उस एक्वेटिक उस वाटर के अकॉर्डिंग चेंज लाया तो वो वहां पर इवॉल्व कर गया। सो ऑलवेज इरिटेबिलिटी लीड्स टू एडेप्टेशन, एडेप्टेशन लीड्स टू एवोल्यूशन। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका एवोल्यूशन में रोल है, इसीलिए हम इसको भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं। इसी को एनसीईआरटी ने एक सिंपल वर्ड यूज किया है, कॉन्शसनेस, बट दैट कॉन्शसनेस इज बेसिकली रिलेटेड टू इरिटेबिलिटी। तो यहां तक हम लोग तीन जो कैरेक्टर है बेसिक, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड इरिटेबिलिटी, ये हम लोग समझ पाए हैं, और इसके थ्रू हम लोग अब ये समझ पाए कि ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं, ये लिविंग के कैरेक्टर्स हैं, और इस तरह से हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज मैं क्लास को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट डे हम लोग लिविंग के और डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।